सहरा है खयामा, गुलजार है मैदान। सुबह अल्लाह बोलो नहीं, मैं तुम्हें सुना। ये आप लोगों की बीवी कुछ ज्यादा अहमदाबाद में, और मैं एक साल नहीं आया उसमें जोर बढ़ गया, बढ़ गया। आपके घर में तो नहीं बढ़ा ना, मेरे घर में कुछ फूक मारो नहीं तो फूर करके जोर से। वो बोलते ना बीवी अहमदाबादी औरत इतने बहुत डेंजर है, यहाँ औरतें बैठी होगी वरना चुपचाप लेके मेरे को निकल जाना, मेरे को चुपचाप निकल जाना मेरे को, बाकी अहमदाबाद नहीं बैरी हो इतने बहुत डेंजर। एक अहमदाबाद का वाक्य मालूम है आपको? अरे हाँ क्या नहीं, मेरे को भी नहीं मालूम, लेकिन बना देवे अहमदाबाद का वाक्य है, जाता क्या है वो है ना मौना, वो अहमदाबाद में कोई बेचारा बहुत बड़ा बिजनेसमैन, बहुत बड़ा, वो बड़े बड़े बिजनेसमैन को आपने देखा होगा लियाकत भाई, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं ना, उनको जब साल का हिसाब करना है ना तो ऑफिस पे नहीं करते, अपने मैनेजर को बुला लेते हैं, कहाँ पे, घर में, और खुद भी घर में बैठ जाते हैं, क्योंकि वो क्या है ऑफिस में डिस्टर्बेंस होता है और वो रजिस्टर खुलते हैं अच्छा नहीं लगता। तो हमारा भी एक दोस्त था, बड़ा बिजनेसमैन था, घर में आके बैठ गया, बाजू में किसको बिठाया, मैनेजर को, भाई हिसाब किताब करने का ना पूरे साल का, और सामने टेबल, टेबल के ऊपर कंप्यूटर, कैलकुलेटर और लैपटॉप और मोबाइल सब कुछ सामने रखा, क्योंकि फटाफट 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 मैनेजर के साथ बैठ के ने, क्योंकि सेल टैक्स ने मालूम नहीं कौन सा टैक्स ने, GST ने, कितने टैक्स है, क्या क्या भरने के, इनकम टैक्स वगैरह, तो सबकी तैयारी कर रहा था वो। अभी बेचारा एकदम बिजी है मैनेजर के साथ हिसाब किताब करने में, बड़ा बिजनेसमैन है, दिमाग पूरा हिसाब किताब में लगा। इतने में वो अहमदाबाद की औरत, उसकी बैरी अहमदाबाद नहीं, बोलो ना एनी वाइफ, ते आवी अंदर आके पूछती है, ए मेरे को कितना प्यार करते हो। अब ऐसे टाइम पे शोहर डिस्टर्ब होगा कि नहीं होगा? उसने कहा अरे अभी अभी तू जा, ये मैं हिसाब किताब लेकर बैठा हूँ, यहाँ टैक्स का मामला है, सेल टैक्स का मामला है, GST का मामला है, हजारों गवर्नमेंट के झमेले, और तू उसमें आके कितना प्यार करते, जा अंदर जा। अहमदाबाद का पानी था कि ना पहले तमने केवू पड़से कि केटलू प्रेम करो छो, पहले तमने आ बात तो चोखाट करवी पड़से, भाई गुजराती समझते हो ना, इतना तो समझाना ही पड़ेगा कि मुझे कितना प्यार करते हो। इसने सोचा कि इसको कैसे हटाऊं, तो कहा ए सुन लैला मजनू जितना प्यार करते थे ना उससे ज्यादा मैं तेरे को प्यार करता। बात ही खत्म हो जावे ना, कि लैला मजनू की कितनी दास्तानें सुनी है, उन्होंने इतना प्यार नहीं किया जितना मैं अहमदाबादी अहमदाबादी औरत से प्यार करता हूं। तो वो समझ गई मेरे को उल्लू बनाता है, बोले ना ना वो कहीं थोड़ी बने, तुम्हें मैंने हाचू हाचू को केटलू प्यार करता छो, मेरे को सच बताओ कितना प्यार कर। अब इसका दिमाग गया, कहा तू घर में जाके कॉफी बना, चाय बना, कहा नहीं बनाऊंगी, पहले मेरे को बताओ कितना प्यार करते हो। अब इसने सोचा कि अब मामला धरा मुश्किल है, तो उसने वो सामने मोबाइल, लाओ मोबाइल दे रहे लाओ तुम्हारा जवाब किया है, उसने ये मोबाइल ऐसा लिया, मोबाइल ऐसा लिया, कहा देख बीवी को कहा देख मैं कितना प्यार करता हूँ, ये मोबाइल मैं हूँ, अंदर की सिम तू है, मोबाइल मैं हूँ अंदर की सिम, क्योंकि मोबाइल बगैर सिम के कुछ भी काम का नहीं है, और सिर्फ सिम को उठा के चलो वो भी कुछ काम की। तो इतना जोर से कहा उसने कि मैं मोबाइल और तू अंदर की सिम, मैं अकेला कोई काम का नहीं, तू अकेली कोई काम की नहीं, दोनों मिलेंगे तो मंजिल तय हो जाएगी। तो आज से याद रखना अहमदाबाद वालों, उस अहमदाबादी ने कहा मैं मोबाइल, तू साथ में बोलो तू, वो औरत इतनी खुश हो गई, वाह वाह वाह, ऐसा पति किसी को नसीब नहीं होता क्या, आज से ये फैसला हो गया, ये मोबाइल है मेरा पति, मोबाइल है और मैं उसकी पत्नी अंदर की। ये बोलकर वो अंदर गई, तो उसने मैनेजर को यूं कंधे पे हाथ मारा, आप पागल है, चाइना का मोबाइल है, चार सिम लेके घूमता, देखो कैसा हंसे, अब तक हंस नहीं रहे थे अब हंसे। हाँ, अब मेरा तवा गरम और रोटी पकाने का वक्त आ गया मेरा। ऐसी और वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटा जरूर दबाएं।